तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 14 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे आज हम ऑफ कोर्स डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन नंबर 11 टू ऑनवर्ड ऑफ कोर्स, है ना। तो लास्ट वीडियो तक 1 to 10 हमने डिस्कस कर लिया था और बेसिकली ये कंसेप्ट यूज हो रहे थे आपके पास, सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग करवा रखा है। तो अगर पहले की चीज़ें सारी आपको मालूम है तो ही इस वीडियो को आगे आप कंटिन्यू करें देखने के लिए, अदरवाइज प्लीज़ पहले की वीडियो को सीरियल नंबरिंग वाइज आप प्लीज़ देख कर आएँ, राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 पर हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले आपसे बोला गया है कि ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC, है ना। तो एक ए की जगह आपके पास 5.4 है, बी -3.-2 है और सी की वैल्यू 1.-8 है। ये तीन वर्टिसेस गिवन है आपके पास किसी भी एक ट्रायंगल ABC के। उसके बाद बोला स्लोप ऑफ मीडियन AB बताइए। तो पहला पॉइंट है आपके पास स्लोप बताना है मीडियन AD का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ABC एक ट्रायंगल और जो मीडियन होता है ये A है, ये B है, ये C है। मीडियन AD बोला है तो A से जाएगा और D पे, D इज द मिड पॉइंट। सो बेसिकली A इज योर 5.4 एंड B आपके पास क्या है -3.-2 और C क्या है आपके पास 1.-8। अब देखिएगा चीज़ों को, ये जो D होता है AD को मीडियन बोला, मतलब D क्या आपके पास मिड पॉइंट है, किसका किसका, B और C का बेसिकली। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा वो मिड पॉइंट फॉर्मूले से मैं लगा दूंगा, सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला चैप्टर को प्लीज पहले करके आइए, ठीक है। तो इसको ऐड करूंगा तो -2 आएगा, 2 से डिवाइड करूंगा -1, इसको ऐड करूंगा -10 आएगा, 2 से डिवाइड करूंगा -5 आएगा, गॉट इट। चलिए तो आपको यहाँ से क्या पता चल चुका है, मिड पॉइंट पता चल चुका है। अब क्योंकि आपको मिड पॉइंट पता है तो आपको AD के दो पॉइंट पता चल गए। स्लोप निकालने के लिए आपको या तो एंगल चाहिए, एंगल का यहाँ कोई चक्कर ही नहीं है, है ना। आपको क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। तो पहला पॉइंट मालूम था, दूसरा पॉइंट हमने निकाल दिया, आप स्लोप निकाल दीजिए। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए स्लोप ऑफ, पहला पार्ट है आपके पास स्लोप ऑफ AD, दैट विल बी इक्वल टू लाइक दिस y2-y1 डिवाइडेड बाई x2-x1। छोटी चीज होनी चाहिए आप लोगों के लिए, y2-y1 तो -5-4 डिवाइडेड बाई x2-x1 -1-5 कितना आएगा -9 डिवाइडेड -6 कैंसिल कीजिए कितना आ जाएगा 3/2। जस्ट लेट मी चेक द आंसर एंड आंसर इज ए करेक्ट। नेक्स्ट स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड BM, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड BM, तो BM कहाँ है, B से लेकर M, एल्टीट्यूड BM, तो ये यहाँ पे आएगा, इस पे जाएगा एल्टीट्यूड BM, है ना। एल्टीट्यूड स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड BM, एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री और इसको M बोला है। अब समझिएगा BM का स्लोप निकालने के लिए ये बिल्कुल नहीं बोला गया है कि ये जो M होगा वो मिड पॉइंट होगा इसका, कहीं आप यहाँ पे इन दोनों से इसका मिड पॉइंट पता कर दें और यहाँ से स्लोप निकाल दें इन दोनों पॉइंट का यूज करके, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि अब की बार आपको ये जो AD था वो मीडियन था, बट अब की बार BM को मीडियन नहीं बोला है, अब की बार एल्टीट्यूड बोला है। तो समझिएगा एल्टीट्यूड का मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है यहाँ पे। तो आपको मैं बताता हूँ इसका स्लोप क्या है, M1, इसका स्लोप M1 लेट कर लीजिए। तो ये जो लाइन होगा इसका स्लोप क्या होगा, M2 होगा। और आपको पता है ये दोनों क्या आपके पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का केस क्या था, दोनों का स्लोप किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट 1 के इक्वल, -1 के इक्वल है। तब जाकर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं BM का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले M1 निकालते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड पार्ट में स्लोप ऑफ AC कर देता हूँ पहले, तो मैं स्लोप ऑफ AC, तो इसे इसको करेंगे तो -8 में -4 -12 डिवाइडेड बाय में, एक में से माइनस करेंगे तो -4 कितना आ गया, 3 आ गया। स्लोप ऑफ AC निकाल दिया। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास स्लोप ऑफ BM, इसको बोल दीजिए M1, इसको बोल दीजिए M2। तो हमें पता है ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये एल्टीट्यूड दे रखा है, किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। M1 पता है 3 है, मल्टीपल में M2 अपने को निकालना है, तो M2 की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, -1/3। तो -1/3 जो है वो स्लोप ऑफ BM आ जाएगा, बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल था। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। तो सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू लाइन। अब चीज़ों को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब के जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े ठीक ठाक होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस 3x+2y = 8 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0.1। पॉइंट्स नहीं पॉइंट, तो एक पॉइंट है जिससे एक लाइन पास हो रहा है और साथ में इस वाले लाइन के पैरेलल भी है, ऐसा भी बोला गया, इस लाइन के क्या आपके पास पैरेलल भी है। तो समझिएगा
एक पॉइंट है और इसके पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं उसके स्लोप क्या होते हैं, उसके स्लोप इक्वल होते हैं। तो जो इसका स्लोप होगा वही स्लोप होगा उस वाले लाइन के जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, क्योंकि जो लाइन इससे पास हो रहा है उसी लाइन के क्या है, पैरेलल है। गॉट इट? ठीक है, ये वाला केस, राइट। चलिए तो यहाँ मैं यहाँ से स्लोप निकालूंगा, तो लाइन से कैसे निकालूंगा, टू वाई इधर रखूंगा, इसको उधर भेज देता हूँ, तो एट में से माइनस का थ्री एक्स, और इस टू को दोनों के नीचे भेज दूंगा, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। एक्स का कॉफिशियंट क्या होता है आपके पास, साइन के साथ लेना, ध्यान रखना, स्लोप होता है माइनस थ्री अपॉन में टू। स्लोप पता है 0.1, एक पॉइंट पता है, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ये वाला लगा के आप इक्वेशन बना दीजिए। तो आ जाएगा वाई माइनस का वाई वन, वाई वन क्या होगा, ये एक्स वन होगा, ये वाई वन, वाई वन की जगह वन इज इक्वल टू में एम, एम की जगह कितना माइनस का थ्री अपॉन में टू, ब्रैकेट में एक्स और एक्स वन, एक्स वन की जगह कितना आपके पास जीरो, टू इधर ले आए तो आ जाएगा टू वाई माइनस का टू इज इक्वल टू, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ऑफकोर्स ये तो वैसे ही रहेगा, माइनस का थ्री एक्स आ जाएगा, इसको अंदर लाइए आ जाएगा प्लस का थ्री एक्स प्लस का टू वाई और माइनस का टू और इक्वल टू में जीरो, ये माइनस का था अंदर लाइए प्लस का इक्वल टू में बचा जीरो, आ जाएगा थ्री एक्स प्लस का टू वाई, जस्ट लेट मी चेक आंसर, थ्री एक्स प्लस का टू वाई और माइनस का टू इक्वल टू में टू लिखिए या फिर अंदर लिखिए तो माइनस का टू लिखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये था आपके पास 12 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में क्या कहा गया उस चीज को थोड़ा सा देखते हैं, राइट। इसमें सेकंड पार्ट में सबसे पहले आपसे बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस, तो यह आ जाएगा टू एक्स प्लस का फाइव वाई इज इक्वल टू नाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस, तो एक एक पॉइंट ए है 2.7 और दूसरा पॉइंट एक और है बी वाला जो कि आपके पास पॉइंट की बना -4.1। अब देखिए ये जो लाइन है वो इस वाले लाइन के क्या आपके पास पैरेलल, ऐसा बोला गया है ना, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। एक ऐसे इक्वेशन के लाइन, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे इक्वेशन का ऐसे लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इसके पैरेलल है, समझिएगा इसके पैरेलल है और पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, से मिड पॉइंट से पास हो रहा है, इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है। फिर से आपके पास एक पॉइंट गिवन है, अगर आप नोटिस करें इसके पैरेलल है नो डाउट, तो स्लोप जितना इस लाइन का होगा उतना ही उस लाइन का होगा जिसकी हमें इक्वेशन बनानी है, राइट। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 5y को इधर रखूँगा, इसको उधर भेज देता हूँ, तो 9 में से 2x हो जाएगा और 5 दोनों के नीचे चला जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो जो स्लोप आ गया आपके पास माइनस का 2/5 आ गया। अब कहता है ये जो लाइन था उसके जो पैरेलल लाइन थे वो पास किससे हो रहा है, इन दोनों लाइन सेगमेंट के ज्वाइन कर रहा है उसके मिड पॉइंट से, तो एक पॉइंट यहाँ से पता चल गया आपको, है ना, यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल दीजिए, तो यहाँ से आप निकाल दीजिए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले जोड़िए माइनस का टू, टू से डिवाइड कीजिए माइनस का वन कॉमन, इसको ऐड कीजिए एट, टू से डिवाइड कीजिए फोर, -1.4 से पास हो रहा है, एक आपके पास स्लोप पता है, फटाफट सॉल्व कर दीजिए, समझ में आती बात, डन है। चलिए तो यहाँ पे वाई माइनस का वाई वन कितना है, वाई वन कितना है 4 इज इक्वल टू एम, एम की जगह -2.5 और क्या एक्स, और एक्स वन, एक्स वन की जगह -1 तो ये हो जाएगा +1, 5 इधर ले जाइए आ जाएगा 5y माइनस का 20 इज इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 2x और माइनस का 2 अंदर लाइए, तो यह आ जाएगा आपके पास 5y माइनस का 20 प्लस का 2x और प्लस का 2 इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 2x प्लस का 5y और इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 18 और इक्वल टू में 0 लीजिए। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कितना है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 18 अंदर लाइए माइनस का 18, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट। अब चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 के पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास बोला ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ए बी सी मैं पहले बना देता हूँ यहाँ पे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का ए है -1.3, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है आपके पास 4.2 और पॉइंट सी आपके पास -3.2, ठीक है। चलिए अब हमसे बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड क्या होते थे, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला में चले जाइए, जो मीडियंस ज्वाइन करते थे जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जाते थे उसको कहते थे, ये वाला पॉइंट जी लेट से कुछ भी कह दीजिए, है ना, ए बी सी डी ई बोल दीजिए, जी बोल दीजिए, सी डी बोल दीजिए, कुछ भी, ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, तो ये एक्स कॉमा वाई होता था और सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था x1 + x2 + x3 / 3 और वाई कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला था y1 + y2 + y3 / 3, याद कीजिए, समझ में आ रही बात, डन है। चलिए तो x1 + x2 + x3, तो x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे -1 + 4 + 3 / 3,
कितना आ जाएगा, किसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 3 6 डिवाइडेड बाय कैंसिल कीजिए तो 2 आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ गया, वाई कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, वाई वन प्लस वाई टू प्लस का वाई थ्री तो माइनस का 2 रहेगा डिवाइडेड बाय में 3 है ना, ये कट गया, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो एक्स कॉमा वाई इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल, सो इट विल बी इक्वल टू 2, 1, खत्म बात। समझ में आती बात, डन है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, रिमेंबर ये अभी आपके पास सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये जो सेंट्रॉइड है वो क्या था आपके पास, 2, 1 था, ठीक है। चलिए अब ये जो सेंट्रॉइड है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 2, 1, क्या पता अभी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया। सेकंड पार्ट में बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू सी पैरेलल टू एसी, थ्रू सी पैरेलल टू एसी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू सी, ये पॉइंट आपके पास सी है ना, सी से जा रहा है, एक ऐसे लाइन की इक्वेशन बताइए जो सी से जा रहा है, सी से जा रहा है, इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है, और साथ में आपके पास क्या, आपके पास पैरेलल टू एसी, पैरेलल टू एसी यार इस वाले पॉइंट से जाकर पैरेलल तो नहीं हो सकता क्योंकि वो मिट कर जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, परपेंडिकुलर कह सकते हैं, पैरेलल नहीं कह सकते। समझ में आ रही बात, डन है, परपेंडिकुलर कह सकते हैं, पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखिए आपके पास एसी क्या, आपके पास एक लाइन है ए और सी लाइन है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे सी से पास होगा तो वो कभी भी एसी के पैरेलल नहीं हो सकता, ध्यान दीजिए, एसी के पैरेलल जाएगा तो यही बन जाएगा, यही वाली लाइन बन जाएगी, एक कोइंसाइड कर जाएंगे इस तरीके से, एक दूसरे के ऊपर चले जाएंगे, समझ में आ रही बात, एक दूसरे के ऊपर चले जाएंगे। तो हाँ आप ऐसा कह सकते हो कि एसी की इक्वेशन बता दीजिए, अच्छा सी वाला पॉइंट क्या था एक बार बता दे, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं सी वाला पॉइंट कितना है, ए बी सी माइनस 4, 1 है ना, नहीं 3, -2 दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है 3, -2 है, तो आप एसी के पैरेलल तभी कह सकते हैं जब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे, बट कोइंसाइड वाले को पैरेलल नहीं कहते हैं, बट फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे तो आने का कोई चांस नहीं है, तो टू पॉइंट्स मालूम है तो मैं एसी का इक्वेशन निकाल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, समझिएगा ठीक है। स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी नहीं, इक्वेशन ऑफ एसी बेसिकली, तो इक्वेशन ऑफ एसी के लिए टू पॉइंट वाला लगा देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा वाई माइनस का वाई वन, वाई वन आ जाएगा 3 इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, तो माइनस टू में से माइनस करेंगे 3 डिवाइडेड बाय में 3 में से माइनस करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में एक्स माइनस का एक्स वन, एक्स माइनस का एक्स वन कितना, माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा आपके पास वाई माइनस का 12 वाई माइनस का 3 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय में एक्स प्लस का 1, 4 इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा 4y माइनस का 12 इक्वल टू माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5x माइनस का 5 और ये अंदर ले आइए तो ये आ जाएगा आपके पास 4y माइनस का 12 ये आ जाएगा प्लस का 5x और प्लस का 5 और इक्वल टू में 0, ये आ जाएगा आपके पास 5x प्लस का 4y और इसको उसको सॉल्व कर देंगे माइनस का 7 और इक्वल टू में 0। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, 5x प्लस का 4y माइनस का 7, इसमें सिर्फ 14 है इसके जगह बस और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लिया जाए क्या इश्यू है, पॉइंट्स यही हैं, एक बार पॉइंट्स चेक कर लेते हैं, 1, -1, 3 है ठीक है, 4, 2 है ठीक है, तीसरा आपके पास 3, -2, तो यहाँ पे वाई माइनस का वाई वन, ओ सिट वाई वन में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है मेरे हिसाब से, वाई माइनस का नहीं, वाई माइनस का वाई वन ठीक है, और ये आ जाएगा वाई टू माइनस का वाई वन डिवाइडेड बाई में 3 में से माइनस करेंगे माइनस वन ठीक है, और एक्स माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा एक्स माइनस का एक्स वन ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 5 ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास इसको अंदर ले आएंगे तो प्लस का 5 ये भी प्लस का 5 5x प्लस का 4y इसको इसको सॉल्व कर देंगे तो 7, 5, 12 होता है माइनस का 7 ही बचेगा 14 नहीं आएगा ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये गड़बड़ दे रखा है क्वेश्चन ही आई थिंक मेरे हिसाब से गलत दे रखा है क्योंकि इसके एसी के पैरेलल हो ही नहीं सकता अगर सी से पास होगा, अगर सी से पास हो रहा है तो 100% एसी भी पास होना पड़ेगा और साथ में इसी के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए अगर आप पैरेलल कहते भी हैं तो कोइंसाइड करके चला जाएगा एक लाइन के ऊपर एक लाइन चला जाएगा, ये अगर एसी है तो एसी के ऊपर जाना पड़ेगा तभी वो सी से पास हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता ठीक है। चलिए तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा खोट लग रहा है मुझे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट हो चुके हैं 13 के, अब हम चलते हैं 14 के पास ठीक है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है एक पॉइंट से पास हो रहा है -2, 1 एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस 4, -3 और बी है आपके पास -1, 5, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास
समझेगा चीज़ों को। कहा जा रहा है ए इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है और इससे जो लाइन बनेगी ए बी, ए बी इस तरीके से लाइन बनेगी, उसके पैरेलल है, एक ऐसा लाइन है जो इस लाइन ए बी के पैरेलल है और इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमें इक्वेशन बताना है जो लाइन पास हो रहा है उसकी कितनी होगी। तो एक पॉइंट पता है, और अगर जो लाइन हमारी पास हो रही है इस पॉइंट से अगर इसके पैरेलल है, तो इस वाले लाइन का ए बी लाइन का और जो लाइन इसके पैरेलल है दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं स्लोप निकाल देता हूँ पहले, तो 5 में से माइनस करेंगे माइनस 3 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 4, 5 और 3 कितने हो गए आपके पास 8 और डिवाइडेड बाय माइनस 1 और माइनस 4 कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 5। बताइए को क्लियर, तो 8 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 5। गॉट इट, ठीक है। चलिए तो ये कहानी हो गई आपके पास, अब आगे एक बार और चेक कर लेते हैं क्या कहानी है। अब स्लोप पता चल ही चुका है, माइनस आप ऊपर लगा सकते हैं, आपके पास एक पॉइंट पता है तो वन पॉइंट स्लोप हम लगा दीजिए, तो वाई माइनस का वाई वन, वाई वन की जगह कितना आपके पास 1 इज इक्वल टू एम की जगह माइनस 8 अपॉन में 5 ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन की जगह माइनस 2 तो प्लस का 2, 5 इधर ले आइए आ जाएगा 5y माइनस का 5 इज इक्वल टू इधर ले आइए माइनस का 8x और ये कितना आ जाएगा आपके पास प्लस का 2 राइट, माइनस का 16 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 16 अंदर ले आइए, ये आ जाएगा 5y माइनस का 5 और ये आ जाएगा प्लस का 8x और प्लस का 16 और इक्वल टू में 0। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए, ये आ जाएगा 8x प्लस का 5y और इसको इसको प्लस माइनस कर दीजिए कितना बचेगा 14 16 11 है ना, प्लस का 11 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, 8x प्लस का 5y प्लस का 11 और इक्वल टू में 0, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 की कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 पे बढ़ जाते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप देखें तो कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजन, मतलब एक पॉइंट से पास हो रहा है जो कि पॉइंट क्या आपके पास ओरिजन है, दैट इज ओ कॉमा बेसिकली 0, 0। उसके बाद हमसे ये 14 तो हो चुका है हमारा, पासिंग थ्रू जो हो रहे हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वाई प्लस का 5x इज इक्वल टू में 3, इस लाइन का क्या आपके पास परपेंडिकुलर है। तो मेरे पास ध्यान से सुनेगा, एक तो पॉइंट से पास हो रहा है और दूसरा परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है इस वाले के। अच्छा एक लाइन ये पहले से मान लीजिए और हमारा जो लाइन है वो मान लीजिए परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ओरिजन है जो कि 0,0 से पास हो रहा है, ठीक है। तो अपने को बताना है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक बार इसके स्लोप पता चल जाए तो इसका स्लोप क्या होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, इजी हो जाएगा निकालना है ना, ये m2 हो जाएगा। तो पहले मैं m1 तो निकाल लूँ, यहाँ से मैं m1 निकाल लूँ तो y इज इक्वल टू इसको उधर भेज दिए थे आ जाएगा माइनस का 5x प्लस का 3, तो इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे स्लोप आ जाएगा m की वैल्यू माइनस का 5, जाना m1 कह दीजिए इसको, जब m2 निकालेंगे क्या आ जाएगा, तो m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू माइनस 1 होता है जब परपेंडिकुलर होते हैं, तो है ना। चलिए यहाँ से m2 की वैल्यू निकालिए माइनस 1, m1 की जगह कितना माइनस का 5, इसको कैंसिल कर दिए 1 अपॉन में 5 आ गया स्लोप। अब 1 पॉइंट स्लोप हम लगा के इक्वेशन बना दीजिए, तो y माइनस का y1, y1 की जगह क्या रहेगा पॉइंट की जगह 0 और इसके जगह 1 अपॉन में 5 ब्रैकेट में x माइनस का x1 की जगह 0, इधर ले आइए तो आ जाएगा 5y इज इक्वल टू में x, इसको उधर भेज दिए तो x माइनस का 5y और इक्वल टू में 0। लीजिए आपने इक्वेशन तैयार कर दिया, बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, हल्के में नॉर्मली हम कर देंगे इनको सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के पास, तो इसमें कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजन एंड पैरेलल टू दिस, फिर से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सा दे रखा है, कहता है ओरिजन से फिर से पास हो रहा है लेकिन आपके पास पैरेलल है, किसके पैरेलल है वो चीज चेक कीजिए, 3x माइनस 2y, 3x माइनस का 2y प्लस का 4 और इक्वल टू में 0, इसके पैरेलल है ना। अच्छा अगर इसके पैरेलल तो इसके जितने स्लोप होंगे उसके भी उतने ही स्लोप होंगे, और एक पॉइंट पता है स्लोप निकाल लीजिए यहाँ से, हाँ यहाँ से आप क्या करेंगे पहले 2y उधर भेजिए, 3x प्लस का 4 इधर रखिए, 2y उधर भेजिए प्लस का हो जाएगा, ये 2 दोनों के नीचे चला जाएगा तो स्लोप निकल कर आ गया आपके पास कितना है 3/2, तो जो स्लोप इस लाइन की होगी वो चाहिए स्लोप उतनी उसकी भी होगी जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, स्लोप पता है एक पॉइंट पता है, बना दीजिए इक्वेशन वाई माइनस का वाई वन दैट इज 0, फिर स्लोप की जगह 3/2, फिर एक्स माइनस का एक्स वन दैट इज 0, 2 इधर आ जाएगा 2y और इज इक्वल टू आ जाएगा 3x, इसको उधर ले जाइए तो आ जाएगा 3x माइनस का 2y इधर बच जाएगा 0 और यही आपके पास इक्वेशन तैयार है, बताइए कोई प्रॉब्लम, 3x कहाँ है क्वेश्चन नंबर 16, 3x माइनस 2y और इक्वल टू में 0, गॉट इट। चलिए बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, सिंपली है ना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 के पास,
क्वेश्चन नंबर 17। नॉर्मल से क्वेश्चन है, कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज एक्स इंटरसेप्ट माइनस थ्री। तो एक्स इंटरसेप्ट माइनस थ्री मतलब एक ऐसी लाइन है जो एक्स को कहीं इधर यहाँ पे कट करके जा रहा है, माइनस थ्री है ना, तो ये वाला एक्स इंटरसेप्ट माइनस का थ्री है। अब हमसे मतलब ये वाला जो पॉइंट होने वाला है, यहाँ से जो लाइन जा रही ऐसे करके, ऐसे कहीं से भी जा सकता है अभी मुझे नहीं पता, तो ये वाला पॉइंट हो गया माइनस थ्री कॉमा जीरो। आगे चेक करते हैं क्या बोला है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू वन। तो एक लाइन है जो कि है 3x + 5y और इक्वल टू में 1, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो कहीं पे भी ये लाइन मान लीजिए ऐसे जा रहा होगा, मान लेते हैं, तो ये इसके परपेंडिकुलर और एक पॉइंट पता है। अब ये जो लाइन है यहाँ से तो मैं स्लोप निकाल लूँगा, तो इसका m1 स्लोप कह दूंगा, तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या ही टेंशन है, m2 निकाल लेंगे रेसिप्रोकल करके। समझ में आती बात, तो पहले m1 निकालिए, 5y इधर रखिए, इसको उधर भेज दिए 1 - 3x, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, 5 दोनों के नीचे चला जाएगा, ये कुछ ऐसे नज़ारे दिखा रहे हैं, एक्स का कोफिशियंट स्लोप है आपके पास -3/5, ये हो गया m1। अब m2 निकालना है, क्या करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब माइनस लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और रेसिप्रोकल मतलब ऊपर नीचे कर देंगे, तो m2 आ जाएगा 5/3, है ना। यहाँ पे पुट करके m2 निकाल लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप नेगेटिव रेसिप्रोकल कीजिए, बातें की चलिए 5/3 आ चुका है। तो स्लोप पता चल चुका है 5/3 है, पॉइंट पता है -3, -3, 0, खटाक से लगा दीजिए ये वाला इक्वेशन, फटाफट ले जाइए, ठीक है। तो ये आ जाएगा वाई माइनस का y1 कितना आपके पास, y1 यहाँ पे मिलेगा 0 इज इक्वल टू में m के जगह आ जाएगा 5/3, फिर आ जाएगा x, फिर माइनस का x1 दैट इज प्लस का 3 हो जाएगा, -3 + 3, ये उधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5x + 15, ठीक है। इसको उधर ले जाइए तो ये आ जाएगा 5x और ये आ जाएगा माइनस का 3y और प्लस का 15 और इक्वल टू में 0। जस्ट लेट मी चेक द आंसर, विच क्वेश्चन इज दिस, 5x - 3y + 15 = 0, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, राइट। यस, अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 के पास, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप देखें, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2, फिर से बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, 2, 4 से पास हो रहा है, ठीक है, और साथ में हमसे बोला परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके समझना है, अगर ये 2, 4 से पास हो रहा है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, लेट से ये है, और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमें ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन बतानी है। देखिए, जब भी आपके पास परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होता है तो एंगल जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री होता है, राइट, ये चीज़ आपको मालूम है। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो टेन थीटा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो स्लोप की वैल्यू क्या लेना होता है, नॉट डिफाइंड, तो 1/0 लेना होता है उस केस में, या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हैं इस वाली लाइन की इक्वेशन x = 2 निकलेगी, है ना। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें, आपको 9th क्लास में ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखा है, 10th में भी पढ़ा रखा है आपको। तो x = अगर 2 की बात करते हो तो y के पैरेलल आएगा, और क्योंकि पॉजिटिव का है तो राइट साइड से यहाँ से ये लाइन हो गई, तो इसको देखते आप ये इक्वेशन बनाकर लिख सकते हैं। बट एक जो आपके पास फॉर्मेट है ना, प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं प्रोसेस को। तो एक पॉइंट पता चल गया कहाँ पे पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, तो ये 2, 0 होगा, ऑफकोर्स समझ में आ रही बात, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, 2, 0 होगा, इससे पास हो रहा है, साथ में थीटा की जगह क्या आ जाएगा, स्लोप। अब स्लोप की बात करते हैं, स्लोप तो 1/0 रहेगा और पॉइंट है आपके पास 2, 0, तो 1 पॉइंट स्लोप हम लगा दीजिए फटाफट, ठीक है। तो ये आ जाएगा y - y1 के जगह 0 इज इक्वल टू m के जगह 1/0 ब्रैकेट में x - x1 की जगह 2, ये इधर आएगा, सबको 0 बना देगा, इक्वल टू में x - 2 बचेगा। आप इसको x - 2 = 0 लिखिए, या फिर x = 2 लिखिए, बात एक ही, खत्म बात, समझ में आ रही बात, डन है। ऐसे बना लीजिए, वैसे बना लीजिए, बात एक ही है, कुछ अलग नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19 के पास, जस्ट लेट मी चेक, अभी तो टाइम बहुत ही जल्दी करवा दिया मेरे हिसाब से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20-21 के आसपास, जो भी डिस्कस करना है कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 तक। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस। तो एक लाइन जॉइनिंग है जो कि 1, 4 और 2, 3 से बन रहा है, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट -1, -1, -1, 2 एक लाइन ड्रॉप करा है जो कि कहीं पे भी -1, 2 से पास हो रहा है और वो परपेंडिकुलर इस पे है। तो अपने ये जो हमने लाइन ड्रॉप किया है उसकी इक्वेशन बतानी, मैं आपको समझाता हूँ, फिर से क्वेश्चन समझिएगा। हमसे कहा जा रहा है हमने एक लाइन को ड्रॉप किया, मतलब ऐसे करके छोड़ दिया, कहाँ पे छोड़ दिया, अच्छा कहाँ से पास हो रहा है, वो -1, 2 से पास हो रहा है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनाया मैंने, कहीं पे भी रैंडमली दो लाइन बनाए मैंने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो -1, 2 से पास होता हुआ जा रहा है और परपेंडिकुलर है उस लाइन के जो इन दोनों लाइन से, ये जो लाइन इन दोनों पॉइंट से बन रहे हैं,
तो यहाँ से एक लाइन बन रहा होगा, इसके ऊपर ड्रॉप कर दीजिए परपेंडिकुलर आ रहा है, तो हमें इसकी बनानी है इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए एक पॉइंट मालूम है, इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, एम वन निकाल लीजिए पहले, एम वन पता चलेगा तो एम टू पता चल जाएगा, परपेंडिकुलर है तो पहले M1 निकालिएगा तो 3 माइनस 4 है ना, 3 माइनस 4 2 माइनस का 1 कितना आया, माइनस का 1 आ गया, गॉट इट। चलिए अब M1 पता है तो M2 कितना होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल तो प्लस का 1 आ जाएगा, नेगेटिव करेंगे और 1 बाय 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा पॉजिटिव। M2 पता है तो y माइनस का y1 इज इक्वल टू में आ जाएगा m, फिर ब्रैकेट में x माइनस x1, बेसिकली y माइनस का y1 पॉइंट मालूम है तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप की जगह 1 आएगा, x माइनस x1 की जगह माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, यह आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 है ना, इनको उधर ले जाइए तो x प्लस का 1 माइनस का y और प्लस का 2 इक्वल टू 0 रहेगा, आ जाएगा x माइनस वाई, इसको इसको करेंगे तो प्लस का 3 बना लेगा इक्वल टू में 0। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर, एक्स माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही, समझ में आ रही बात, डन है। चलिए तो बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, है ना, हवा में ही कर देंगे इनको तो ऐसे भी। क्वेश्चन नंबर अब हम पहुंच जाते हैं 20 के पास, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो कहा जा रहा है हमसे, समझिएगा इस क्वेश्चन को, 5x माइनस का 8y प्लस का 23 इक्वल टू 0, दूसरा आपके पास 7x प्लस का 6y माइनस का 71 इक्वल टू 0, और तीसरा आपके पास 4x माइनस का 2y इक्वल टू 3। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको 9th क्लास पे लेकर चला जाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5 जो था आपके पास है ना, वहाँ पे हमने आपको बहुत सारे मेथड सिखाए थे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, टू वेरिएबल वाले, एक था आपके पास सब्सटीट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड, तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर रिड्यूसिंग वाले भी थी। बट फिलहाल मैं आपसे क्या कह रहा हूँ वो चीज़ समझिएगा, कहता है एक ऐसा लाइन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहे हैं, मतलब मैं जब इनको सॉल्व कर दूंगा तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, मतलब वो एक पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इसका जो स्लोप होगा तो उसके स्लोप पता चल जाएंगे, उसके स्लोप पता रहेंगे, एक पॉइंट पता चलेंगे, वन पॉइंट स्लोप हम लगा के, वन पॉइंट फॉर्म लगा के खत्म कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन बना देंगे। तो पहले मैं इनको एक बार सॉल्व कर देता हूँ, तो सॉल्व करने के लिए मुझे एक्स या फिर वाई वाले को सेम करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ है ना, इन 8 और 6 किससे किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सेम हो जाएगा, मैं 7 और 5 से दोनों कर देता हूँ, इसको अगर मैं 7 से करता हूँ, 7 पचे 35 एक्स माइनस का 7 से कर रहा हूँ, 8 सत्य 56 के 56 वाई इज इक्वल टू 23, 23 है ना, इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ, माइनस का 23 रहेगा, 23 को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 21 के 1 बच गए 2, 2 सत्य 14 और 1 15, ऐसा नहीं होता 16, हाँ 16 हो सकता है, 7 21 बच गए 1, 14 16 161, तो माइनस का 161 आ जाएगा। इस वाले इक्वेशन को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैंने एक्स वाले को कोएफिशिएंट को सेम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करा 35, 7 से मल्टीप्लाई करा 56 और इसको 7 से कर दिया तो कितना आ गया 161। इसको मुझे 5 से करने की जरूरत पड़ेगी, 5 से करूँगा तो 35x और 5 से करूँगा तो 30y और इज इक्वल टू में माइनस का तो प्लस हो जाएगा बेसिकली, तो 5 से करूँगा 5 और 7 पचे 35, 355 आ जाएगा, 5×5 7 पचे 35। ठीक है, सही है, अब इनको साइन चेंज करके कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस था माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो 60 और 30 90 होगा, 4 कम कर दीजिए 86y हो जाएगा और वो भी माइनस का, और इधर कर दीजिए माइनस, तो माइनस 161 और माइनस का 355 रहेगा, तो वैसे भी ऐड कर देना पड़ेगा, ये आ जाएगा 6 6 5 11 1 बच गए 1 3 4 और 1 आ जाएगा 5 माइनस का, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 516 डिवाइडेड बाय माइनस का 86। माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, और चलिए पहले 2 से काटते हैं, ये 4 बार में और ये कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, फिर इसको काट दीजिए कितने बार में, 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 8 बार में, 258 है, ये आई थिंक डिवाइड होना चाहिए वरना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, राइट, तो ये हो जाएगा 258 और डिवाइडेड बाय में 43 6, बिल्कुल सही है। चलिए काट दीजिए इसको, 6 आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई, अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो मान लीजिए ये है 7x प्लस का 6y और 71 माइनस का, उधर भेजिए प्लस का, x की आई है ना, y की आई है 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 71 आ जाएगा, 7x 36 आएगा, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 36 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 7x कितना बचेगा, 35 बचेगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 डिवाइडेड बाय में 7 तो 5 आ जाएगी, तो 6.5 से पास हो रहा है, मतलब ये जो लाइन आ रहा है कहीं पे भी 6.5 से पास हो रहा है, और ये वाली लाइन है आपके पास 4x माइनस का 2y और इक्वल टू में 3, बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए ये वाली चीज़ अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, अलग से सॉल्व कर लीजिएगा, छोटी चीज़ थी आप लोगों के लिए।
अब आपके पास सिंपली एक पॉइंट पता है और इसका जितना स्लोप होगा, तो यहाँ से स्लोप निकाल लेता हूँ 4x और प्लस का, इसको अंदर लाता हूँ माइनस का 3 और इसको उधर भेज देता हूँ प्लस का 2y और 2 भेज देता हूँ दोनों के नीचे, है ना। तो ये आ जाएगा स्लोप, तो m की वैल्यू आ गया 4/2 मतलब 2। स्लोप पता है m, स्लोप पता है कितना आया 2 आया। ये m1 है, ध्यान रखिए क्या m1 है, हमें चाहिए m2। तो हमें पता है m2 कितना होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो m2 की वैल्यू आ जाएगा -1/2। कितना जाए, नेगेटिव भी करना है, माइनस भी लगाना है, रेसिप्रोकल भी कर देना है, तो -1/2 आ जाएगा। समझ में आती बात, डन है। चलिए अब क्या करना है, आपको एक स्लोप भी पता चल चुका है इस वाली लाइन की, पॉइंट भी पता है, वन पॉइंट स्लोप हम लगा दीजिए, आ जाएगा y-y1 दैट इज 5 इज इक्वल टू, स्लोप की जगह कितना है -1/2 ब्रैकेट में x-x1 दैट इज 6। 2 इधर भेज दिए, 2y-10 इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, -1+6 अंदर ले आइए, आ जाएगा 2y-10 प्लस का x-6 इक्वल टू 0। इसको कीजिए x+2y, इसको कीजिए -16 इक्वल टू 0। तो एक बार आंसर चेक कर लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 20 है ये, x+2y और इक्वल टू में यार 17 है, होना चाहिए 16, तो कहीं पे कुछ गड़बड़ किया क्या, जस्ट लेट मी चेक, y-y1 सब कुछ सही करा हुआ है, ये 2 इधर जाएगा, 2 5 10 ही होने वाला है, इससे जाएगा तो प्लस का 6 ही होएगा। तो एक बार मैं पीछे से आंसर मैच कर लेता हूँ, 17 कैसे लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 20 और क्या है 14b का क्वेश्चन नंबर 20 है, 17 है। ओके, तो मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली, दोबारा आंसर में यहाँ पे 17 गिवन है इक्वल टू में, बट एक्चुअल में आंसर में 17 कहीं से भी नहीं आ रहा है, तो आई थिंक बाई मिस प्रिंट, पीछे बाई मिस्टेक मिस प्रिंट हो गया होगा 17, आई थिंक यहाँ पे 16 आना चाहिए, बाकी अगर फिर भी मे बी करेक्ट हो आंसर पीछे, एक बार आपको फिर से दोबारा से क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, पॉइंट निकालना है, इसका स्लोप निकालकर परपेंडिकुलर का, तो रेसिप्रोकल करके और फिर वन पॉइंट स्लोप लगाकर फिर से एक बार आपको क्या करना है, ट्राई करना है। हालांकि मैंने तो फिर से दोबारा से ट्राई कर लिया, बट फिर भी हो सकता है कहीं मिस्टेक कर दिया मैंने, तो आपने एक बार फिर से इसको क्या करना है, ट्राई करना है, बाकी आंसर ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, आई थिंक सो। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, और अभी हम अप टू क्वेश्चन नंबर 20 ही रखते हैं, बाकी जो रेस्ट रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम ऑफकोर्स डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों का हमेशा जो काम रहता है प्रैक्टिस करने का, वो हमेशा ही क्या कीजिए, उसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं देना है आप लोगों को, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और अगर अच्छी लगी हुई वीडियो तो प्लीज़ शेयर करके भी प्यार जरूर दिखाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जय हिंद।